दोस्तों यही वो एक चीज है जो हम गलती करते हैं, जो मैंने भी की, जो मुझे बहुत महंगा पड़ा और आपको भी ये बहुत महंगा पड़ता है, बिकॉज इसमें आ जाता है आपका टाइम, आपका पैसा, फिर भी आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल नहीं कर पाते हो। और यही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और आपको बहुत ज्यादा सेल्स आएंगी। बट आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, बिकॉज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और एक भी स्टेप अगर आप समझने में गलती करते हो, बिलीव मी यही चीज आपको बहुत महंगी पड़ेगी फिर अगेन एंड अगेन, राइट। तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज लास्ट में जो चीज मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और ये जाएगी स्टेप बाय स्टेप, तो एक भी चूक हुई तो बहुत मुश्किल हो सकती है। लेट्स गो। तो दोस्तों अगर मैं अपनी खुद की केस स्टडी लूं तो मैंने भी यही गलती की थी, मैंने भी इस चीज को नहीं समझा था। और इवन 99.9% एफिलिएट मार्केट है ऑनलाइन बिजनेस, या जो कह लो कि जो खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करने आते हैं या खुद के कोर्सेज सेल करने आते हैं, वो भी इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। और वहीं बड़े बड़े जो मार्केटर्स हैं, जो नेक्स्ट लेवल के मार्केटर्स हैं, वो लोग इस चीज को समझते हैं और वो लोग फर्स्ट डे से ही इस चीज पे काम करते हैं, इसलिए उनके जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं ऑनलाइन में, इवन ऑफलाइन में। तो गाइस मैंने भी यही किया था और मुझे भी बहुत देर में समझ में आया, और मैं चाहता हूँ कि अब आपको बहुत जल्दी ये चीज समझ में आए ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लगे ऑनलाइन में पैसे अर्न करने में या प्रोडक्ट सेल करने में, राइट। तो गाइस ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बिकॉज मुझे पता था कि वीडियो से चीजें सेल होती हैं, वीडियो से ब्रांड बनता है, वीडियो से बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने बहुत वीडियोस बनाए बट वीडियोस में व्यू नहीं आते थे, सॉलिड कंटेंट होता था, राइट, बट व्यू नहीं आते थे। बहुत समय गुजरा और अभी आप देख सकते हो मेरी वीडियोज पे बहुत सारे व्यूज आते हैं, बहुत सारे, मतलब कि टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, लोग अगर 10 मिनट की वीडियो है तो लोग देखते हैं 3 मिनट, 4 मिनट, उससे भी ज्यादा। अभी मेरा मंथली व्यू पूरा 1 लाख से भी ऊपर गया, जबकि मेरे चैनल में 10,000 ही सब्सक्राइबर हैं, राइट। तो आप सोचो 10,000 सब्सक्राइबर, 1 लाख से भी ज्यादा व्यू, ये तो कुछ नहीं। अभी रैपिड ग्रोथ मैंने पाया है अपने इंस्टाग्राम पे, जो आप जाके देख सकते हो, इतने सारे मुझे डीएम्स आ रहे हैं, इतने सारे सेव्स आ रहे हैं, पोस्ट को सेव किया जा रहा है, तो ये सब कैसे हो रहा है, राइट। पहले भी मैंने वीडियोज बनाए थे, बहुत सारे वीडियोज बनाए थे, बट इतना रैपिड ग्रोथ नहीं था। बट कुछ समय बाद मैंने समझा चीजों की, ऐसे चीजें होती हैं और इन चीजों पे लास्ट 8 से 10 महीने से मैं काम कर रहा हूँ और अब मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट इसका नजर आ रहा है, राइट। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि चीजें कैसे सेल होती हैं ऑनलाइन में स्टेप बाय स्टेप, और आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे इस चीज को डोमिनेट कर सकते हो और कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको भी करनी चाहिए। सबसे पहली चीज वीडियो मार्केटिंग ऑन द बूम। अगर आप देखो कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है या कोई भी किसी को सेल कर रहा है या आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पर एक शॉर्ट वीडियो, एक माइक्रो वीडियो होती है जो आपको चीजों के बारे में बताती है, या मैं ही कुछ सेल करता हूँ, लाइक मैंने अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, एक एफिलिएट मार्केटिंग का इंडिविजुअल प्रोडक्ट, जिसका नाम है $25 1 अप, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि कैसे वो वीडियो मार्केटिंग के जरिए अपनी पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। लोग अपना ब्रांड बना रहे हैं, आज उनको रिजल्ट मिल रहा है, ऑनली 1.5 महीना हुआ है और लोगों को उसके रिजल्ट्स आने लगे हैं, लोगों का रिएक्शन आने लगा है उनके पोस्ट पे, उनका ब्रांड बिल्ड होने लगा है। क्योंकि देखो ब्रांड बिल्डिंग इज द गेम, अगर आपका ब्रांड रहेगा तो आप कुछ भी सेल कर सकते हो। तो मैं उनको वही सिखा रहा हूँ और मैंने जो 8 से 10 महीने में किया वो 1 महीने में उस चीज को कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको बताया कि ऐसे करो। तो जब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, अभी भी उसमें बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग आ रही है, लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, लोग अपनी ब्रांड बिल्ड करते जा रहे हैं, तो उनको मैंने 1 महीने में बताया कि वीडियो से भाई सेलिंग आती है। उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, उनको चीजें, उनको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया, राइट। अब क्या हो रहा है गाइस, अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि ग्रुप्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेलिंग के लिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो एक कम्युनिटी चीज होती है, लाइक अगर आप बचपन में स्कूल में नहीं जाते तो क्या आप घर में उतना सीख पाते जितना आप स्कूल में सीखे? नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर एक कम्युनिटी मिली। ऐसे ही आप मिडिल क्लास में गए तो वहां पर आपको भी कम्युनिटी मिली। ऐसे आप हायर एजुकेशन के लिए गए, कॉलेजेस में गए, वहां पर आपको कम्युनिटी मिली। कहते हैं ना माहौल से ही परिवर्तन आता है, राइट। कहते हैं कि आप 5 लोगों के एवरेज होते हो जो आपके आस पास होते हैं। तो क्या है ये सारी चीजें? ये सारी चीजें डिनोट करती हैं कम्युनिटी को। तो ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक फेसबुक ग्रुप्स, या आप बोल दो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप,
मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ फेसबुक ग्रुप, बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रैफिक है फेसबुक ग्रुप के पास। तो जो भी ग्रुप बनाता है और ग्रुप को फेसबुक बहुत ज्यादा पुश भी करता है, तो वहां पर आप चीजों को इजी सेल कर सकते हो। तो दो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, सबसे पहला वीडियो मार्केटिंग और दूसरा मैंने बताया है ग्रुप मार्केटिंग। अगर आप गूगल पे जाते हो और सर्च करते हो तो आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा जो सेलिंग हो रही है, जो ऑर्गेनिक मार्केट में सेलिंग हो रही है, वो हो रही है वीडियो मार्केटिंग के द्वारा और दूसरा ग्रुप मार्केटिंग के द्वारा। आप गूगल करके इस चीज को देख सकते हो। हर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पेड मार्केटिंग, जिसको बोलते हैं एड्स, पेड एड्स, राइट। अब पेड एड्स में क्या होता है, आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, बट यहाँ पर आपको एक स्किल आनी चाहिए, तो ये है कि आप कैसे अपने पैसों का सीपीसी, राइट, क्या होता है सीपीसी, मतलब कि जो आपको क्लिक करेगा कोई भी आपका कस्टमर, तो उसपे कितना कॉस्ट आपसे चार्ज किया जाए, उसको बोलते हैं सीपीसी। ये एक स्किल है, इसके बारे में आप ज्यादा सीखना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको और वहां पर समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे होगा और कैसे आप और भी ज्यादा इस बारे में सीख सकते हो, क्योंकि ये एक स्किल है। तो यहाँ पर आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे सीखने के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसमें, बिकॉज मैं आपको फाइनली वो मेन चीज समझाना चाहता हूँ जो आपको समझनी है किसी भी चीज को सेल करने के लिए ऑनलाइन, चाहे वो आपके कोर्स हो, चाहे एफिलिएट हो, चाहे ड्रॉपशिपिंग हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू इन ऑनलाइन। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अभी रैपिड ग्रोथ पाया है इसके कारण, जिसका नाम है ट्रैफिक। गाइस अगर आप किसी भी बड़े मार्केटर को उठा के देख लो, वो ट्रैफिक पे काम कर रहा है, उसकी वेबसाइट ट्रैफिक, उसकी ग्रुप ट्रैफिक, उसके चैनल की ट्रैफिक, उसकी सोशल मीडिया चैनल्स की ट्रैफिक, राइट, हर जगह ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। और कोई भी बंदा, कोई भी मार्केटर, वो सबसे पहले ट्रैफिक को बिल्ड करता है। और यही जो न्यूबीज हैं, जो नए नए एफिलिएट मार्केटर्स आ रहे हैं मार्केट में, वो गलती करते हैं, वो ट्रैफिक को लर्न करने का नहीं सोचते हैं, वो लर्न करने चले जाते हैं सीधा लाइक ये कैसे होता है, इसमें कैसे अर्निंग होती है, ये सारी चीजें वो सीखने चल जाते हैं, राइट। लेकिन आपको क्या लर्न करना है, आपको ट्रैफिक लर्न करना है। जैसे कि मैंने कहा था आपने इस कोर्स में कि मैं इस कोर्स में आपको बताऊंगा कि आप कैसे ट्रैफिक को मास्टरी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी लोगों को बता रहा हूँ, अभी भी ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा आ रही है, ज्वाइनिंग स्टार्ट है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे ट्रैफिक को मास्टर कर सकते हैं। तो ये एक चीज है ट्रैफिक, जिसको आपको मास्टर करना है, और इसके वजह से ही लोगों को सेल आ रहे हैं। तो जब मैंने अपनी टीम को बताया कि भाई ट्रैफिक कैसे मास्टर होती है, आज उनको रिजल्ट मिल रहा है, आज उनको रिएक्शंस आ रहे हैं, बिकॉज ट्रैफिक इज द गेम। अगर आप किसी भी मार्केट में उठा के देखें तो वो ट्रैफिक पे काम कर रहे हैं, बिकॉज ट्रैफिक ही नहीं रहेगी तो आप सेल किसको करोगे, ट्रैफिक ही नहीं रहेगी तो आपकी वीडियोस कौन देखेगा, ट्रैफिक ही नहीं रहेगी तो आपके पोस्ट कौन देखेगा, ट्रैफिक ही नहीं रहेगी तो आपका बिजनेस भी नहीं रहेगा। तो ट्रैफिक इज द गेम। ये तीन ही वेज हैं जिससे बहुत ज्यादा चीजें सेल होती हैं, और इसे ही हर मार्केटर यूज करके सेलिंग कर रहा है आज के समय में। फर्स्ट वीडियो मार्केटिंग, सेकेंड ग्रुप मार्केटिंग, और थर्ड पेड मार्केटिंग, राइट। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए, वो आप कर सकते हो, बट उसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि ट्रैफिक कैसे लेके आना है, बिकॉज विदाउट ट्रैफिक यू कांट डू एनीथिंग। तो ट्रैफिक इज द गेम, ट्रैफिक को मास्टर करने की कोशिश करो, आप ट्रैफिक पे काम करो। हर एक मार्केटर यही गलती करता है कि वो ट्रैफिक पे काम नहीं करता। मैंने ट्रैफिक पे काम किया, मैंने वीडियोस बनाया, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने इंस्टाग्राम अपने सोशल मीडिया को बिल्ड किया, मैंने ग्रुप्स बनाए, हर कुछ, हर जगह मैं पहुंच गया, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ट्रैफिक इज द गेम। देन लोगों ने मुझे जानना स्टार्ट किया, और आज जो मेरे रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो इसी के वजह से मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक ट्रैफिक एंड ट्रैफिक। तो प्लीज गाइस ट्रैफिक पे काम करो, अगर आप कुछ बड़ा करने आए हो इस मार्केट में, तो विदाउट ट्रैफिक यू कांट डू एनीथिंग इवन इन ऑफलाइन। बट अगर आपको रैपिडली ग्रो करना है तो ऑनलाइन इज द बेस्ट वे टू मेक मनी। सो गाइस आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आओगी कि ट्रैफिक इज द गेम। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताओ कि भाई अगर आप ऑनलाइन या कुछ भी सेल करना चाहते हो ऑनलाइन में, तो आपको एक चीज मास्टर करने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक, जो मैं सिखा सकता हूँ आपको। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, शेयर करो इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि उनको समझ में आए कि यही वो प्रॉब्लम है जिससे वो अपना टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट कर रहे हैं, नॉट इन्वेस्ट, वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज यही एक चीज है, एक फंडामेंटल चीज है जो आपको पूरे सेल्स लाते देगी। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो ऐसी वीडियोस नहीं मिलेंगी जो आपको प्रूफ देंगी कि यही सही है, राइट। तो बेल का आइकन जरूर प्रेस करो, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।